वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे, तानिको यूट्यूब चैनल पे सकलों के स्वागत जनाइसु। आज मैं फिर से एक नए सिटी पे आया हूँ, स्कॉटलैंड का। जगह का नाम है लर्विक। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे इंग्लैंड का जो फ्लैग है, क्योंकि ये यूके के अंदर आता है, तो इसके लिए तो स्कॉटलैंड का फ्लैग एक्चुअली वहाँ पे है। ओके, सो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत अच्छा खास रहेगा, क्योंकि देखिए घर का डिज़ाइन देखिए आप लोग, कितना खूबसूरत घर है। और अभी थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, आप लोग को दिखाएंगे, मैं आपको जो जो चीज़ दिखाना है मैं वो दिखाने की कोशिश करेंगे। और मौसम भी बहुत अच्छा है, बढ़िया है। सो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, चले वीडियो के अंदर चलते, अंदर क्या है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए तो फिर अभी हम लोग टेंडर ऑपरेशन की द्वारा हम लोग अभी शिप से मतलब लैंड तक जा रहा हूँ। ये अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और आप लोग देखते रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा अंदर, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ मैं। सो ऑलमोस्ट हम लोग अप्रोच हो रहा है, पहुँचने वाला अभी। और ये पूरा आइलैंड के आसपास सब कुछ मिला के, मतलब जो ये सेटलैंड आइलैंड है उसका पॉपुलेशन है आपको करीब 22-23 हज़ार का रहेगा उनका। तो हम लोग यहाँ से अभी निकलते हैं यहाँ से, चलिए लैंड पहुँच गए हम लोग अभी। और दोस्तों ये आइलैंड के बारे में पहले ही बताता हूँ मैं, ये आइलैंड बहुत कॉस्टली है, बहुत एक्सपेंसिव प्लेस है। मतलब आपको पूरा यूके की हिसाब करेंगे, मतलब पूरा यूके का तुलना करेगा तो आपको 20-65% हायर कॉस्ट। छोटा सा टाउन है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने के लिए और क्लीन लग रहा है। दोस्तों ये शहर देख के मेरे को लगता है छोटा है, फिर भी मतलब कुछ पोल्यूशन नहीं है, कितना क्लीन है, कितना साफ है। आपको अभी शुरुआत है, अभी ये आप लोग देख रहे हैं, अभी आगे तक कितना अच्छा देखेगा वो तो मुझे मतलब इमेजिन नहीं कर पाऊंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पिक्चर्स वगैरह देख लिया मैंने। अरे क्या बात है यार, डॉगी को कैप्टन बना के रखा है, अरे भाई, अरे 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 ग्लास भी लगा के, क्या बात है, सनग्लास भी लगा के रखा है यार, क्या बात है यार कैप्टन। ये स्कॉटलैंड मतलब 17th century में पाया गया है स्कॉटलैंड। और आपको तो पता है यूके जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड अपने आप से मतलब एक मेजर रोल करते हैं 4 यूके के कंट्री में। सो इसीलिए यूके का आपने सॉरी इंग्लैंड का आपने फ्लैग देखा वहाँ पे। और ये घर बाहर देखिए, उनका घर की डिज़ाइन बहुत अलग ही है, बिल्कुल अलग है। उनका कंक्रीट भी बहुत मस्त है, अच्छा दिखता है। यहाँ पे मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि ये फिशिंग विलेज एक तरह का मतलब मच्छी जो मच्छी मारने वाले लोग होते हैं ऐसे मतलब लोगों का जगह है बोल सकते हैं। तो लेकिन फिर भी ये बहुत क्लीन है और काफ़ी खूबसूरत है जगह, और भी दिखाएंगे आप लोग को। चलिए तो फिर उनकी घर देखिए, कितना खूबसूरत है, यूनिक है, बिल्कुल अच्छा दिखता है। ये देखिए वाओ क्या घर है। यहाँ पे मतलब यहाँ का जो पॉपुलेशन है 2010 की टाइम पे मतलब 7000 कुछ रेजिडेंट्स रहते थे, मतलब घर रहते थे यहाँ पे। लेकिन अभी देखिए 2023 है अभी, लेकिन 23 में तो अभी बहुत सारे लोग आ गए, अभी यहाँ पे पूरा घर ही घर हो गया अभी। और उनका घर का डिज़ाइन देखिए सेम मतलब यूके का, मतलब जितना भी यूके में कंट्रीज है उनका सब मतलब सिमिलरिटीज बहुत है घर। और देखिए हमारे गांव और उनका गांव बहुत फ़र्क है। और उनका देखिए दीवार कितना मतलब उसका बाउंड्री कितना देखिए ऊंचा है, देखिए इतना ही ऊंचा है, मतलब बिल्कुल लोग क्रॉस करके जा सकते हैं। मतलब ये देखिए यहाँ से वॉल जंप मार के जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी बहुत है उन लोग के पास। हमारा जैसे हमारे वहाँ की कुछ जगह पे जैसे हमारे पास कुछ सेफ्टी नहीं है, ऐसा नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल अच्छा है। देखिए वह कहीं कहीं तो ये नहीं है और वॉल नहीं है यहाँ पे, कुछ ये नहीं है, उनका प्रोटेक्शन नहीं है कुछ। और जगह मुझे बहुत पसंद आ रहा है, ये घर वार और मतलब बहुत शांत है, बिल्कुल शांत है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। बचपन में ऐसे मतलब हम लोग ऐसा किया करते, झूला किया करते थे, अभी वो ये बच्चों के लिए है एक्चुअली, तो मैंने ऐसे ही थोड़ा रेस्ट ले रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्या बात है, वेदर भी बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है, इसके लिए मज़ा आ रहा है। अभी थोड़ा यहाँ से घूमेंगे। और ये देखिए घर है, ये सब मतलब अपार्टमेंट एरिया है, उनकी घर देखिए
मुझे घर का मतलब ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। उनका घर और उनका आंगन देखिए कितना क्लीन है। उनका आंगन देखिए, यहाँ पे कितना खूबसूरत है। देखिए उनका आंगन मतलब इतना सफाई है, इतना मतलब ये है, बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों आप लोग कोई भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहा है, कैसा लग रहा है वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे। उनकी घर का आंगन देखिए कितना छोटा है और ऊपर से कितना क्लीन करके रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे पूरा रेड पत्थर ही पत्थर डाल के रखा है, जैसे 5 स्टार होटल में जैसे डेकोरेशन करते हैं वैसे ही डेकोरेशन करते हैं। और यहाँ के लोग ना देखे ये सब मतलब करके उनको बहुत अच्छा लगता है, तो अच्छा दिखता भी है ना इसके लिए। और यहाँ पे सामने ही क्या बात है, समुंदर के सामने ही है, एक मस्त व्यू देखने को मिलेगा आप लोग को, आप लोग मिस मत कीजिएगा ये। कुछ लोगों को पता नहीं चल रहा है YouTube, मेरा YouTube के बारे में, और मेरा YouTube का नाम है तानी को, क्योंकि बहुत सारे लोग Facebook में देखते हैं और Facebook में देख के उनको पता नहीं रहता है कि मेरा YouTube चैनल है या नहीं। सो इसीलिए मैं बोल रहा था मैं कि आप लोग फॉलो कर सकते हैं मेरा YouTube चैनल को, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपको तभी तो अच्छे अच्छे वीडियो, जितना भी मैं वीडियो बनाऊंगे ऐसा वीडियो आ जाएगा आपको। सो मेरा चैनल का नाम है तानी को। दोस्तों ये एक छोटा सा गोल्फ ये है फील्ड है। यार मैं कहाँ पे आया, मैं समझ नहीं आ रहा, मैं क्या स्विट्जरलैंड पे आया हूँ या न्यूजीलैंड पे आया हूँ मैं। मतलब इतना खूबसूरत जगह है यार स्कॉटलैंड पे। मतलब मैंने सुना था पहले स्कॉटलैंड के बारे में, ये आप अगर खुद ही आके यहाँ पे देखेगा ना ये जगह, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। जगह का नाम है लर्विक, बहुत अच्छा छोटा सा आइलैंड है एक्चुअली, शेटलैंड आइलैंड बोलते हैं। तो बहुत अच्छे है ये, देखिए गोल्फ गोल्फ का जो ये है फील्ड का जो नंबर है, यहाँ पे ओल्ड है, यहाँ पे होल लगा है यहाँ पे। सो यहाँ पे गोल्फ भी खेलते हैं वो लोग। और गोल्फ आपको पता है दुनिया का सबसे महंगा महंगा गेम है और आराम का गेम है। मतलब सब एक्सपेंसिव नहीं है अभी, अभी फिलहाल तो UFC है, उसके बाद गोल्फ आता है। देखिए कितना खूबसूरत है यार, मैंने इमेजिन भी नहीं किया था, क्योंकि मैंने खाली सुना था मैंने स्कॉटलैंड के बारे में कि इतना खूबसूरत है, मतलब बहुत खूबसूरत है बोल के। अभी मुझे अभी सामने आके अभी खुद ही आके यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और आप मेरे साथ साथ आप लोग भी देखने को मिल रहे हैं। तो कैसा लग रहा है दोस्तों प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। और आसपास आपको दिखाएंगे मैं यहाँ पे, ये देखिए मेरे पीछे देखिए कितना खूबसूरत जगह है यार, और मैं इमेजिन भी नहीं कर पाऊंगी कर पा रहा हूँ मैं। अब मैं क्या बोलूँ यार, देखिए आप लोग खुद ही देख रहे हैं कितना खूबसूरत है। दोस्तों मैं जितना हो सकता हूँ मैं आप लोग को दिखाने को कोशिश करता हूँ, जो मैं आप लोग को अच्छे अच्छे जगह दिखाने को कोशिश करता हूँ मैं। वैसे ये जगह आप लोग देखना चाहते हैं तो फिर आप लोग को बहुत पैसा खर्चा करके आना पड़ेगा आप लोग को। तो मैं आप लोग को खुद ही लेके आया यहाँ पे, और आप लोग घर बैठे बैठे इंजॉय कर पा रहा है, तो इससे और अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। इसके लिए आप मेरे चैनल पे अगर रहेगा तो हर वीडियो आप लोग को देखने को मिलती रहेगा, तो इसीलिए भूलिएगा मत। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए जितना हो सकता है। वैसे मेरा कैमरामैन प्रोफेशनल कैमरामैन तो नहीं है, मेरा फ्रेंड है, उन्होंने रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उनको मैं बहुत रेस्पेक्ट देता हूँ। अभी उन्होंने इतना मेहनत कर रहा है मेरे लिए और आप लोग को दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम लोग अभी जाएंगे नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे तो बहुत बहुत मज़ा आएगा आप लोग को देखने के लिए। जितना हो सकता है मैं करीब से दिखाने की कोशिश करेंगे आप लोग को सामने से, क्योंकि आपने मेरा वीडियो के साथ बहुत दूर से देख रहा है ये। अभी मैं सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनके जो नेचुरल ब्यूटीज़ और उनका जो नेचुरल क्लिप्स वगैरह, मतलब पहाड़ पर्वत, उनकी वजह से उनको अपने आप से ही मतलब खुद को परिचय देता है ये स्कॉटलैंड। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब बाहर ना बाहर लोग समुद्र के सामने मतलब सी फेसिंग जो व्यूज रहते हैं वहाँ पे रहना पसंद करते हैं वो लोग को। ये देखिए कितना खूबसूरत घर है, सामने मतलब समुंदर है, सामने समुंदर है और घर सामने है, मतलब विंडो से बैठ के क्या व्यूज देखने को मिल रहे हैं उनको। और ये तो घर बहुत महंगा होगा यार, ये फ्लॉट खरीदना है तो काफी महंगा होगा यार। जगसम कांगेगुल्ला कप कारंगलो कप मोरंग सुपा कुंगो टू स्कॉटलैंड से है, स्कॉटलैंड ऑफ लर्विक सो आज बेलेक सिटी रो आगो दो वो आकन वीडियो रो बेलेक जगह में आई सुपा बेलेक जगह से है।
आईपे कांगन दा गई सजा कासम काटोपन ओकुम रिंगों ग्रिसम अधिक कांगन दा काटोपन आईपे कांगन दा माने तान्य सो कामन कपे गिदक पिटी बिसक तान्य गिदक सजा कासो सील सील हागरो सील समुद्र का सील आया था यहाँ पे वापस कब आएगा बता रहे हैं अभी यहाँ तक पहुँच गया यार। अरे फिर अंदर गया, अभी पकड़ा गया यहाँ पे। अभी ये सील देखिए आप लोग, सामने दिख रहा है ये, मतलब छुप जाता है वो, एक बड़ा सा है यहाँ पे। बंधुओं यहाँ तुम लोगों माने स्कॉटलैंड से टाउन टू लेरविक टाउन टू ब्रेविक रोड बुली कैसे ब्रेविक खूब धुनिया लगे से और घर बुर माने खूब भल देखा बहुत अच्छा लगता है यार देखने के लिए। मैंने बहुत दिन हो गया मैंने ऐसे वीडियो निकाला नहीं, तो क्योंकि मेरा साथ दोस्त रहता है तो इसके लिए निकाल नहीं पाता हूँ, तो अभी फिलहाल निकल रहा हूँ खुद ही अपना सेल्फी स्टिक लेके। और आज तो बहुत मज़ा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट टाइम आया हूँ स्कॉटलैंड पे यहाँ पे, और आप लोग को भी फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है घर बार और यहाँ की मतलब जो खूबसूरत है। अभी ना टाइम हो गया आप लोग को दिखाने के लिए आगे फ्रंट साइड में, ये देखिए कोई मेरे वीडियो देख के कोई सीख सकते हैं घर कैसे बनाना है, कौन सा डिज़ाइन का घर बनाना है। आप लोग मेरे वीडियोस में बहुत सारे अच्छे अच्छे घर देखने को मिलेगा आपको। क्या बात है भाई, अभी मैं जिस टाउन पे घूम रहा हूँ ये टाउन ये आइलैंड का सबसे बड़ा टाउन है जो लेरविक टाउन, और ये आइलैंड का नाम है आपको सैटलैंड। और आपको पता है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोमन कैथलिक जो धर्म का लोग रहते हैं, और यहाँ पे आपको मुस्लिम आपको 30 लोग मिलेगा आपको। और ये देखिए उनका फ्लैग उड़ रहा है। ये घर पे तो मैं फिदा हो गया यार, बहुत अच्छा लग रहा है यार, घर बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे मतलब जो लेरविक है टाउन के बीचों बीच मतलब एक बढ़िया सा एक गार्डन है, और उसके साथ साथ एक फील्ड है जहाँ पे कल मैंने वीडियो में दिखाया था मैंने स्कॉटलैंड पे, जहाँ पे मतलब ऐसा क्या बोलते हैं बॉलिंग गेम का होते ऐसा एक ये है क्या बोलते हैं एक फील्ड है। और ये स्पेशल ग्रास फिर से यहाँ पे भी है स्पेशल ग्रास, ये बहुत महंगा ग्रास है एक्चुअली, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, बहुत महंगा ग्रास है। और अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा घूम के देखेंगे यहाँ पे गार्डन पे वो लोग क्या करते हैं गार्डनिंग का काम। और ये टेनिस कोर्ट भी यहाँ पे है, टेनिस कोर्ट ही है सामने, छोटा सा एक गार्डन है, काफ़ी खूबसूरत दिखता है यार, बहुत अच्छा है। पर अंदर जाने का अलाउड नहीं है शायद, क्योंकि देखिए यहाँ जो ग्रास है ये देखिए ग्रास स्पेशल ग्रास है, इतना ज़मीन की मतलब अंदर ये लगा के रखा है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कितना अच्छे अच्छे फ्लावर है गार्डन में, मस्त फ्लावर है, अच्छा अच्छा फ्लावर। ये फ्लावर तो हम लोग का वहाँ पे भी मिलते थे, अभी भी हम लोग का वहाँ पे होते हैं, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ये जगह देखने के लिए। ऐसा ही होता है यार, मतलब बाहर विदेशों में ऐसा ही होते हैं, मतलब मेंटेन बहुत अच्छा करते हैं वो लोग गार्डनिंग का, तो काफ़ी खूबसूरत लगता है इसके लिए हर जगह पे। मतलब ये छोटा सा एक छोटा सा गोल्फ गोल्फ फील्ड है, छोटा गोल्फ फील्ड है एक्चुअली, ये एक नंबर लगा के रखा है 3 2 ऐसा 4, मतलब गोल्फ फील्ड है, ये गोल्फ खेल सकते हैं लोग। देखिए यहाँ पे रोड है, रोड में ग्रास लगा के दिया है, मस्त ग्रास लगा के दिया है, अच्छा यहाँ पे चल के घूम सकते हैं, और सुकून है, बहुत सुकून है, मतलब यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है मुझे, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। सो मेरा कैमरामैन तो बहुत अच्छा फोटो निकालता है, शायद वीडियो निकालता है, आप लोग उनको थैंक्स कीजिएगा, और मैं भी थैंक्स करता हूँ उसको, क्योंकि उनकी वजह से मैंने वीडियो बना पा रहा हूँ मैं अभी।
दोस्तों मतलब ये जो लिर्विक सिटी है उसका बीचों बीच मतलब एक बढ़िया सा बिल्डिंग दिख रहा है आप लोग। ये बिल्डिंग इनका टाउन हॉल है, मतलब कुछ भी मतलब फंक्शन वगैरह होते हैं यहाँ पे, और मतलब जो भी प्रोग्राम बनाना है बना सकते हैं यहाँ पे। बीचों बीच है, टाउन के बीचों बीच है। यहाँ पे लोग आके फोटो खींच रहे हैं, वीडियो निकाल रहा है, मज़ा आ रहा है क्योंकि आज का वेदर भी बहुत अच्छा है इसके लिए, और उसका एडवांटेज ले रहे हैं लोग, हम भी ले रहे हो इसका एडवांटेज। दोस्तों ये उनका ओल्ड टाउन है, सिटी टाउन, मतलब जो लर्विक है, लर्विक का छोटा सा टाउन है। और यहाँ पे लोग जितने भी बाहर से लोग आते हैं सब लोग यहाँ पे घूमते हैं, घूमते फिरते हैं और जगह देखते हैं। ये शॉपिंग जगह भी है, छोटा छोटा मतलब छोटे छोटे दुकान है यहाँ पे, इतना बड़ा मॉल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा सिटी नहीं है ना इसके लिए। और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा महंगा है क्योंकि यहाँ पे पाउंड पे चलते हैं ना, ब्रिटिश पाउंड पे, डॉलर नहीं चलते, अमेरिकन डॉलर नहीं है, ब्रिटिश पाउंड है, तो इसके लिए थोड़ा महंगा होता है। आप लोग को पता है ये जो सिटी है, इस सिटी में मतलब ये आइलैंड पे इकोनॉमिक क्राइसिस भी दिख पाया गया है पहले, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगा है यार। दोस्तों यहाँ पे अगर आप जॉब करेगा मतलब कहीं एक दुकान पे काम करेगा, पर आवर आपको मिलेगा 9.60, अरे वाह क्या बात है, फ्लावर 9.60 पाउंड। इसका मतलब इंडिया के हिसाब से 1 घंटे में 1,000 कमाएगा वो लोग, क्योंकि यहाँ पे बाहर घंटे के हिसाब से, अरे क्या बात है भाई, टाइगर टाइगर का बच्चा, क्योंकि बाहर क्या होता है ना घंटे के हिसाब से पैसे देते हैं, आवरली पैसा इनकम करते हैं वो लोग। हमारे वहाँ के जैसा नहीं है, महीने के हिसाब से सैलरी ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे घंटे के हिसाब से इनकम होते हैं वो लोग। सो दोस्तों आज का ये जो लिर्विक मतलब स्कॉटलैंड का जो टूर है, बढ़िया लगा मुझे, और आप लोग को भी यकीन है आप लोग को भी अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे, और पसंद किया तो जितना होता है शेयर कर दीजिएगा, और अगर आगे तक वीडियो देखना है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन प्रेस करना भूलिएगा मत। सो